फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप 10,000 रुपीज का मंथली SIP करके खुद के लिए 7 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस बना पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी का नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं किया है तो जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे चैनल के फ्यूचर में पब्लिश होने वाले वीडियोज का टाइमली अपडेट मिल सकेगा। इस इन्वेस्टमेंट प्लान के वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पार्ट्स हैं रिस्क प्रोफाइलिंग, कैलकुलेशन, मॉडल पोर्टफोलियो एंड डूज एंड डोंट्स। रिस्क प्रोफाइलिंग में हम जानेंगे किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्लान सुटेबल है। कैलकुलेशन में मैं आपको बताऊंगा आप 10,000 रुपीज मंथली SIP से कैसे 7 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। मॉडल पोर्टफोलियो में मैं आपको उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। डूज एंड डोंट्स में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगा। अगर आप खुद के लिए एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। फर्स्ट हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान के रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में जानेंगे। रिस्क प्रोफाइलिंग में हमारा गोल होगा रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा 30 ईयर्स एंड रिस्क एपेटाइट होगा वेरी हाई। रिस्क एपेटाइट वेरी हाई मीन्स अगर मार्केट में कोई मेजर करेक्शन होता है जिसके कारण आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी काफी कम हो जाता है तो आप उस केस में डरकर अपने फंड्स को रिडीम नहीं करेंगे। सपोज आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन आपका 1,70,000-80,000 बन गया है, यहाँ पे आपको डरकर अपने फंड्स को रिडीम नहीं करना है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट वेरी लॉन्ग टर्म का है और लॉन्ग टर्म में इक्विटी का रिटर्न्स काफी अच्छा आता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट वेरी हाई नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए सुटेबल नहीं है। सो बेसिस आवर इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिस्क एपेटाइट हमारा ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल वेरी अग्रेसिव होगा। ये इन्वेस्टमेंट प्लान रिटायरमेंट प्लानिंग के गोल के लिए बनाया गया है। इसी तरह से आप अपना सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं फॉर डिफरेंट गोल्स लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन और बाइंग अ हाउस। आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते वक्त इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क एपेटाइट का जरूर ध्यान रखें। नाउ लेट्स चेक द कैलकुलेशन टू क्रिएट 7 करोड़ रिटायरमेंट कॉर्पस। आपका मंथली SIP अमाउंट होगा 10,000 और आपका टाइम पीरियड होगा 30 ईयर्स। दैट मीन्स आपको 30 ईयर्स तक एवरी मंथ 10,000 रुपीज का SIP करना होगा। अगर आप 30 ईयर्स तक पर मंथ 10,000 का SIP करते हैं और आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें अगर आप 15% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो आप 7 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस बना पाएंगे। नाउ हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान के मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में जानेंगे। मॉडल पोर्टफोलियो में मैं आपको उस स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। इन फंड्स का 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर में डायरेक्ट प्लान का रिटर्न लिया गया है, जबकि 10 ईयर होराइजन में रेगुलर प्लान का रिटर्न लिया गया है क्योंकि उस समय डायरेक्ट प्लान अवेलेबल नहीं था। मॉडल पोर्टफोलियो का फर्स्ट स्कीम होगा एक्सिस ब्लू चिप फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 29,100 करोड़ और इसका बेंचमार्क है Nifty 50। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 41.92, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 15.82, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 17.67 एंड 10 ईयर्स में रिटर्न दिया 14.54। एक्सिस ब्लू चिप फंड 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। मॉडल पोर्टफोलियो का हमारा सेकंड स्कीम होगा PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 1,600 करोड़ और इसका बेंचमार्क है Nifty 500। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 71.02%, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 25.14 एंड 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 20.46। इस फंड का 10 ईयर्स का रिटर्न अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है। इस फंड ने अक्रॉस ऑल 3 होराइजन अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। मॉडल पोर्टफोलियो का हमारा थर्ड स्कीम होगा कोटक स्मॉल कैप फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 5,200 करोड़ और इसका बेंचमार्क है Nifty Small Cap 100। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 120.96, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 28.33, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 21.78 एंड 10 ईयर्स में रिटर्न दिया 19.06। इस फंड ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। मॉडल पोर्टफोलियो का हमारा फोर्थ एंड लास्ट फंड है मोतीलाल ओसवाल नैसडेक 100 फंड ऑफ फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 3,300 करोड़ और इसका बेंचमार्क है Nasdaq 100। ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स व्हाई इसका सिर्फ 1 ईयर का रिटर्न अवेलेबल है। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 41.29%। नाउ हम इस मॉडल पोर्टफोलियो के 4 स्कीम्स का एलोकेशन चेक करेंगे। इस मॉडल पोर्टफोलियो में टोटल 4 इक्विटी फंड्स हैं। आउट ऑफ दिस 4 इक्विटी फंड्स फर्स्ट फंड दैट इज एक्सिस ब्लू चिप फंड लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है
और हम एक्सेस ब्लूचिप फंड में 2000 रुपीस का मंथली SIP स्टार्ट करेंगे। सेकंड फंड है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें हम 4000 रुपीस पर मंथ का SIP स्टार्ट करेंगे। थर्ड फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। ये फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, इस फंड में हम 2000 पर मंथ का SIP स्टार्ट करेंगे। फोर्थ एंड लास्ट फंड है मोतीलाल ओसवाल नैसडैक 100 फंड ऑफ फंड। ये फंड एक इंटरनेशनल फंड है जो कि US इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। इस फंड में हम 2000 रुपीस पर मंथ का SIP स्टार्ट करेंगे। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में हमने अपना एलोकेशन ज्यादा रखा है क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड बेसिस मार्केट कंडीशन अपना इन्वेस्टमेंट स्विच कर सकता है इन लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है अबाउट 50%, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है अबाउट 27% एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है अबाउट 17%। नाउ हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान के फोर्थ पार्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानेंगे, दैट इज डूज एंड डोंट्स। डूज में नंबर वन पॉइंट है स्टार्ट नाउ। अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी परफेक्ट टाइमिंग का वेट नहीं करें, आपको इमीडिएटली वो स्टार्ट करना चाहिए। और एनी हाउ आप कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू कर रहे हैं, तो SIP का इन्वेस्टमेंट आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मॉडल पोर्टफोलियो 30 ईयर्स के होराइजन के लिए बनाया गया है, तो आपको एटलीस्ट वंस इन अ ईयर इस पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करना चाहिए। पोर्टफोलियो रिव्यू में आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के ऑल 4 स्कीम्स का परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। परफॉर्मेंस रिव्यू में आप इन स्कीम्स के रिटर्न्स का कंपैरिजन करेंगे इनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से, और साथ ही आप इन स्कीम्स के रिटर्न्स का कंपैरिजन करेंगे इनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के टॉप फंड्स के साथ। परफॉर्मेंस रिव्यू करने के दौरान आप जिन भी स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन स्कीम्स के AMC दैट इज म्यूचुअल फंड कंपनीज के ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी जरूर चेक करें। दैट इज आपको जानना चाहिए कि इन स्कीम्स के AMCs में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और साथ ही इन स्कीम्स के फंड मैनेजर्स चेंज तो नहीं हुए हैं इन रिसेंट टाइम्स। और अगर फंड मैनेजर चेंज हुआ है इन स्कीम्स का और कोई नया फंड मैनेजर आया है तो उस नए फंड मैनेजर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। हमने इस मॉडल पोर्टफोलियो में रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखा है 15%। 15% का पोर्टफोलियो रिटर्न जनरेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए इन ऑर्डर टू सेफगार्ड योर रिटायरमेंट कॉर्पस, जब भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स हो तो आप उस सेविंग्स को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बने इस मॉडल पोर्टफोलियो के स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन स्कीम्स में टॉप अप करते वक्त आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दें, इवन 500 रुपीस का टॉप अप भी लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने में आपकी मदद करेगा। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी फंड हम इसलिए बनाते हैं ताकि अगर हमें अर्जेंटली पैसे की जरूरत है तो हम उस इमरजेंसी फंड्स के पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकें। आप अपने मंथली एक्सपेंसेस का एटलीस्ट 6 times जरूर रखें फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी फंड्स का पैसा आप इक्विटी फंड्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करें, ये पैसा आप फिक्स डिपॉजिट्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म फंड्स में रख सकते हैं। नाउ हम जानेंगे इस रिटायरमेंट कॉर्पस को क्रिएट करने के दौरान हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट है आपको अपना पोर्टफोलियो चर्निंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो चर्निंग मीन्स अपने पोर्टफोलियो के स्कीम्स को फ्रिक्वेंटली चेंज करना। इस मॉडल पोर्टफोलियो में जो 4 स्कीम्स के डिटेल्स दिए गए हैं वो ऑल 4 स्कीम्स अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के टॉप फंड्स में आते हैं। आप अपने फंड्स को बेसिस फ्यू मंथ्स परफॉर्मेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करें। जब भी आप अपने पोर्टफोलियो के स्कीम्स का परफॉर्मेंस चेक करते हैं उस समय अगर इन स्कीम्स का परफॉर्मेंस अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के टॉप 25% फंड्स में आता है तो आपको इन स्कीम्स को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो का कोई स्कीम 2 ईयर से ज़्यादा कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, इन दैट केस आप उस फंड के रिस्पेक्टिव कैटेगरी के दूसरे टॉप फंड के साथ इस स्कीम को रिप्लेस कर सकते हैं। इस मॉडल पोर्टफोलियो में लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप एंड US इक्विटीज का जुडिशियस एक्सपोजर लिया गया है। आप ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करने के लिए इस मॉडल पोर्टफोलियो में सेक्टर फंड्स या ज़्यादा मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स को इंक्लूड नहीं करें। आप स्ट्रिक्टली इस मॉडल पोर्टफोलियो को फॉलो करें, और अगर इस मॉडल पोर्टफोलियो का कोई स्कीम कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन दैट केस आप उस स्कीम को चेंज कर सकते हैं विद अ डिफरेंट स्कीम फ्रॉम सेम कैटेगरी। डोंट्स में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग मींस मैं अपना इन्वेस्टमेंट तभी करूंगा जब मार्केट में कोई करेक्शन होगा, और जब मार्केट काफी ऊपर जाएगा तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा या फिर मैं अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम कर लूंगा। तो इस तरह का मार्केट टाइमिंग आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के लिए अवॉइड करें। इस इन्वेस्टमेंट प्लान को सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड रखने के लिए मैंने इसमें इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन का डिस्कशन नहीं किया है। इन्फ्लेशन का लॉन्ग टर्म एवरेज आप 6% रख सकते हैं, और इक्विटी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है 10%। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना है तो मैंने आपके लिए कुछ बुक्स सेलेक्ट किया है।
इन बुक्स का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज पे डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। इन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।